अस्सलाम वालेकुम जी, सारा नाज कर रहा हूँ। आप जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि अब तो खुद मिफ्ता इस्माइल जो है वो ये कह उठे हैं कि हमारे पास तो टका नहीं है पल्ले हमारे, और हम तो बिल्कुल दिवालियापन के करीब हैं। इसारदार को इस पर बड़े खैर मिर्चे लगी हैं, बड़े गुस्से हुए हैं वो कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन प्रैक्टिकली सूरत हाल आज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में पाकिस्तान को कितना बड़ा खतरा जो है हमारे सर पे मंडला रहा है, और ये जो हुक्मरान है ये हमें मुसलसल धोखा दे रहे हैं ये कह के कि हम मामलात को ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। लेकिन सूरत हाल ये कि इनके हाथ में एक रुपया नहीं है, और आप सुन के परेशान हो जाएंगे कि आने वाले दिनों में हमने दुनिया के 30 अरब डॉलर वापस करने हैं, $30 बिलियन, और हमारे कौमी खजाने की सूरत हाल ज़रा आप सुन लें। हमारे जो इस टाइम रिजर्व्स हैं वो 8 अरब के करीब हैं, $3 अरब सऊदी अरब के हैं जो उसने हमारे उसमें रखे हुए जो हम खर्च नहीं सकते, $4 अरब चीन के हैं जो हमने रखे, यानी हम प्रैक्टिकली हमारे पास टका नहीं है। इन्होंने जाके बादशाह के जैसे फकीर से भी बदतर हालात में इन्होंने उनको कहा खुदा का वास्ता है आप बादशाह हैं, आप तो बादशाह सलामत हैं और हम आपके फकीर मिरासी हैं, खुदा का वास्ता ये $3 अरब जो हैं जो आपने हमने आपको वापस करने थे वो ना करें, हमसे लें, हमारे ख़जाने में पड़े रहने दें। चीन की अभी जो है तलवे चाट के आए हैं, क्या ये $4 अरब जो आपने रखे हुए हमारे ख़जाने में ये ना लें, नहीं तो हमारा तो बुरा हाल हो जाएगा। दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे पास 7-8 अरब डॉलर है, ये वो है जो हमने मांग के भीख मांग के अपने ख़जाने में रखे हैं। अब जब $30 बिलियन हमने देने तो हमारे पास हैं कहाँ, कहाँ से आएंगे? नहीं आएंगे तो हम पे कर्जों का सूद की अदायगी इतनी हो जाएगी कि हमसे वो नहीं दी जाएगी, और अगर वो नहीं दी जाएगी तो आगे जाते जाते हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां इनका एजेंडा है कि एक वक्त आए कि हम दुनिया में कहे कि जी अब आप निकालें, जैसे चीन ने श्रीलंका के जाके चीज़ों पे कब्ज़ा किया है, इस तरह हमारी चीज़ों पे कब्ज़ा हो जाएगा। हमारे ग्वादर के एसेट्स हैं, हमारे मोटरवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इस तरह होगा। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कीमती असासे जो हैं उनके ऊपर उनकी नज़र आ जाए। उनकी नज़र है और वो उस तरह की जगह लेके जाएंगे हमें। अब इनके पास क्या है, ये चक्कर ये कर रहे हैं कि जी पूरी दुनिया ने हमारा फंड सैलाब जदगान के हवाले से किया है, वो आएगा कुछ हम दिखाएंगे, चक्कर मुकर करके कुछ पैसे लेंगे। लेकिन भाई जो देंगे वो उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे, उस पर नज़र भी रखेंगे। अब इस सूरत हाल के बाद होना तो ये चाहिए कि हमें फौरी तौर पे आने वाले चैलेंजेस को समझते हुए उसका हल निकालना चाहिए। लेकिन हमारे सियासतदानों का इस टर्म सबसे बड़ा टारगेट था आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होगी या नया चीफ आएगा, या जनाब अली इमरान खान असेंबली तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, इमरान खान डिसॉल्व करने जा रहे हैं या नहीं, मुस्लिम लीग नून उन्होंने बहुत बड़ा हीरा चुन के लाए थे सालदार के जो डार आएगा तो डॉलर डार के नीचे चला जाएगा, और डॉलर तो कितने जाना थे सालदार साहब आप ही कितने जड़े ने वड़बड़ आ गए ने, उन्होंने समझ ही नहीं आ रही क्योंकि कर इन हालात में हालात बहुत बदतर हैं। और अफसोस इस बात का है कि कोई एक बंदा आने वाले इन चैलेंजेस को नहीं समझ रहा। इमरान खान बोल रहे हैं, मुसलसल बोल रहे हैं इंडस्ट्री हमारी तबाह हो गई, सनतकार हमारे तबाह हो गए, और इन हालात में आपको पता है, मैं दिलचस्प बात बताऊं कि आज जंग के अंदर खबर छपी है कि पता नहीं 91 अरब रुपये जो है वो अरकान असम्बली को सवाबदीदी फंड के जरिए दिए जाएंगे ताकि उनके मुँह बंद रहें, वो इनके साथ चिपके रहें। शर्म का मुकाम है कि पूरी कौम भूखी मर रही है और आप अरकान असम्बली को फी अरब रुकन मेरे ख्याल 50 करोड़ रुपये मिलेंगे, ब्यूरोक्रेसी को अलहदा दे रहे सवाबदीदी फंड से, क्या पाकिस्तान है? और कोई इसको ना बोल रहा है ना एहतजाज कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम।